नमस्कार, वीकली एग्री कमोडिटी आउटलुक। देखिए, पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटी के आउटलुक की बात करें तो एग्री कमोडिटी में काफी बड़ा मोमेंटम हम आते हुए देखे। अभी भी अगर मसालों की बात करें तो प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है। सबसे पहले अगर एग्री कमोडिटी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कैस्टर में हमने 1% की गिरावट देखी, मैंथा में सरप्राइजली 5.5% की तेजी देखी, कॉटन फ्लैट रहा, कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है, गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने 2.5 से 3.5% की गिरावट आती हुई देखी, मसालों के अंदर हल्दी में 3.5% की तेजी, जीरे के अंदर 5.5% की तेजी और कोरिएंडर में 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। तो सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। चाइना मार्केट ओपन होने की वजह से उम्मीद है कि प्राइसेस में धीरे धीरे बाउंस मिलेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी टेक्निकली 7550 के ऊपर ही आनी, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रहेगा। मेंथा में जैसे हमने कहा था कि चाइना मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। सिंथेटिक मेंथा का एज ऑफ नाउ मार्केट में अभी भी दबाव बना हुआ है, लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे हमने एनर्जी क्राइसिस जो देखा है, जिसकी वजह से 62 के जो प्रोडक्शन है उसमें लॉसेस है, जिसकी वजह से एक प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकली 1020 का लेवल तोड़ने पे 1070 तक का लेवल मिल सकता है जनवरी मिड तक। इस बार भी उम्मीद है कि प्रोडक्शन कम रह सकते हैं बिकॉज फार्मर्स ने काफी जगह पे दूसरे क्रॉप्स पे शिफ्ट की है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में मार्केट एज ऑफ नाउ काफी फ्लैट रहेगा क्योंकि इंपोर्ट्स की बातें हो रही है। अराइवल्स पिछले अगर हम 15 दिन की या पिछले 2.5 महीने की बात करें तो सबसे लोएस्ट रहा है। ये काफी एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है बिकॉज अगर जनवरी मंथ में एकाएक अगर अराइवल मार्केट में हिट होता है तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट भी देखने मिल सकती है, बट दूसरी ओर यार्न मार्केट टाइट होने की वजह से प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। तो कॉटन पे थोड़ा सा आप नजरिया एकदम पहना रखिए क्योंकि मूवमेंट बड़ा हो सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में जैसे हमने कहा था प्राइजेस में थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2750 तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है, बट उसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ अदर डीओसीज मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से डाउनसाइड काफी ओपन है। साथ में जनवरी मंथ से अराइवल प्रेशर मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में 2450 तक का लेवल देखने मिल सकता है। गवार कॉम्प्लेक्स में बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन में है, जहां पे हम अभी भी देख रहे हैं 5900 के करीब गवार चीट और 12500 के करीब गवार गम ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जैसे बताया था वो काफी स्ट्रांग है। अभी भी अगले हफ्ते से एक ब्रेकआउट आना चाहिए जो 6150 का लेवल तोड़ के 6600 का लेवल हम गवार सीड में और वहीं 13200 का लेवल तोड़ के 13850 का लेवल गवार गम में देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है। वहीं मसालों की अगर हम बात करें तो मसालों में हल्दी रिकवरी अच्छी है, बट 8500 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं जीरे और धनिया में काफी अच्छी बाइंग कर सकते हैं। जीरे के अंदर 27850 का लेवल छूने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगी, बट लॉन्ग टर्म काफी बुलिश है। धनिया में बड़ी गिरावट के बाद अब रिकवरी रहेगी जो अगले हफ्ते 9250 तक का लेवल दिखा सकता है।